हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अलाइसब्लू। दिस इज दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट एंड मार्केट ट्रेंड एंड मार्केट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये क्रूड ऑयल एंड क्रूड ऑयल डेली चार्ट और उसमें पिवट पॉइंट है आज 4933, फर्स्ट रेजिस्टेंट 4998 एंड सेकेंड रेजिस्टेंट 5045 एंड थर्ड 5110। First support 4886, second support 4821 and the third 4774। तो इसमें देख सकते हैं ये डेली चार्ट जो मैंने सपोर्टिंग लाइन दिया था यहाँ पे। तो इसमें डेली डेली चार्ट में आप देख सकते हैं ये मार्केट तो अप ट्रेंड में ये है ना। कंटिन्यूसली हम देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से ब्रेकआउट किया, थोड़ा डाउन ट्रेंड आया था, उसके बाद फिर से अप ट्रेंड प्लेस हुआ यहाँ पे। तो कंटिन्यूसली ये अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में ये थोड़ा रिट्रेसमेंट दे रहा है। तो रिट्रेसमेंट का पॉइंट हमने निकाला था यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो रिट्रेसमेंट का पॉइंट निकाला था ये जोन में एग्जैक्टली। तो यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखाया था, वहाँ से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फोर टाइम्स ये जो पहले रेजिस्टेंस लाइन था यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन बना के रखा हुआ और उसको ब्रेकआउट करने का ट्राई किया था लेकिन ब्रेकआउट हुआ नहीं। तो यहाँ से थोड़ा डेली में दिखाई दे रहा है, थोड़ा बुलिश फॉर्म हो रहा है। तो इसमें हमें एंट्री कहाँ करना है डेली में लॉन्ग टर्म पोजीशन में के लिए। आपको अगर ये आज डेली डेली में आप देख सकते हैं ये डाउन ट्रेंड आ रहा था इसे, राइट। तो बाद में एक जोन में था, तो अगर ये थोड़ा बुलिश बन गया आज, ये जो लाइन है बुलिश बन गया, बुलिश कैंडल बनेगा अगर बन सकता है, तो इसमें अगर कॉन्फर्म इसमें जो मूविंग एवरेज है तो इसमें कॉन्फर्म जो एक कॉन्फर्मेशन के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। जैसे आज अगर इसका ऊपर में क्लोज हो गया तो कल इसका जो हायर पॉइंट रहेगा उसका ऊपर आप बाय ले सकता है, यहाँ पे एंट्री पॉइंट ले सकता है ये जोन में, राइट। इसका ऊपर में एंट्री पॉइंट ले सकता है यहाँ पे। तो ऐसा आप देख सकते हैं यहाँ पे डेली में एक तो डेली में बुलिश कैंडल फॉर्म हो रहा है। अगर इसको बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ तो ठीक है, तो लॉन्ग पोजीशन में आप बाय में जा रहा है क्योंकि ये रिट्रेसमेंट लाइन एक लगता है थोड़ा मुझे यहाँ पे कंप्लीट हो भी सकता है। फिर भी हम 4 आवर में देखे तो 4 आवर में आप एक बार देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली डाउन लोअर लो बना के आ रहा है, जैसे यहाँ लोअर लो। तो इसमें अभी मार्केट स्लिप मार्केट में है और ये एक स्लिपिंग मुझे एक हमें एक स्लिपिंग कंसोलिडेशन एक रेंज मिला हुआ है, ठीक है। तो उसको पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए ये ब्रेकआउट करने का ज़रूरत होता है, क्योंकि नहीं तो अगर आपको अगर यहाँ पे बाय ले गए तो मार्केट नीचे भी आ सकता है क्योंकि एक कंसोलिडेशन जोन है, तो यहाँ से मार्केट ऐसे ही घूम रहा है, घूम भी सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको कंफर्मेशन हमें लेना चाहिए। तो इसको ये जो लोअर लो है तो मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करके फिर से क्या हो सकता है यहाँ पे, तो मैंने ये जोन निकाल दिया आपको, तो इसका ऊपर ही लेना है क्योंकि ये ऐसा होता है कभी। तो इसको ब्रेकआउट करके फ्यूचर रिट्रेसमेंट ये आपका एंट्री पॉइंट बाय के लिए, तो ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है तब, ठीक है। तो इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा ये लॉन्ग पोजीशन के लिए, लेकिन डे पोजीशन के लिए आपको मैं एक जस्ट मिनट एक मैं रेंज दे देता हूँ। जैसे ये एक रेंज है, राइट, ये रेंज में आपको लॉन्ग डे पोजीशन में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मुझे कॉन्फर्मेशन मिला हुआ है। ये मैंने लिया ये 20 मूविंग एवरेज है, ये जो ये लाइन 20 मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं 20 मूविंग एवरेज से बैक बाउंस बैक हुआ मार्केट, राइट। 20 मूविंग एवरेज से ये भी 20 मूविंग एवरेज के आसपास है, वहाँ से मार्केट बाउंस बैक हो सकता है, राइट। ये एक रेजिस्टेंस लाइन बना के आ रहा है ये 20 मूविंग एवरेज, आप देख सकते हैं ये मैंने ड्रॉ किया, एक बाउंस बैक हो रहा है। और यहाँ पे एक बात हमें अभी भी कन्फर्म करना चाहिए, ये तो लोअर लो बना के आ रहा है लेकिन अभी भी हमें जो मूविंग एवरेज की करेक्शन होता है वहाँ से जो सपोर्टिंग लेवल था एक्सट्रीम सपोर्टिंग लेवल 200 को हम एक्सट्रीम सपोर्टिंग लेवल बोलते हैं, उसको ब्रेकआउट करके अभी मार्केट नीचे है। तो अगर ये 50 मूविंग ये 100 मूविंग एवरेज जो रेड वाला है वो 100 मूविंग एवरेज और ये जो कलर है
ऑलमोस्ट ग्रीन, ग्रीन भी नहीं, थोड़ा दूसरा कलर, क्या कलर इसको कोई भी हो, लेकिन ये 150 मूविंग एवरेज है, राइट। ये 150 मूविंग एवरेज है, इसको अगर क्रॉस कर दिया तो वहाँ से हम कंफर्म करेंगे कि मार्केट फुल्ली डाउन ट्रेंड है, राइट, फुल्ली परफेक्टली डाउन ट्रेंड है। तो इसलिए इसको अगर क्रॉस कर दिया तो उसमें आपको बाय लेना ही नहीं है, ठीक है। ये लॉन्ग पोजिशन के लिए हो गया। तो अभी हम बात करेंगे डेली में, सॉरी शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको ट्रेडिंग कहाँ करना है। तो चलो हम जाता है 15 मिनट में आज के लिए, तो थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो मैंने जो आपको एक रेंज दे दिया, राइट, यहाँ पे एक रेंज बना के दिया था आपको, तो आप देख सकते हैं मार्केट एक रेंज में घूम रहा है, ठीक है। अपर गया, उसके बाद बाउंस बैक, अपर बाउंस बैक, फिर से अपर। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है नीचे आने का। अगर बाय लेना है आपको ये जो रेजिस्टेंस लाइन अराउंड 4980 उसका ऊपर में ही आपको बाय लेना चाहिए ये एरिया में, राइट। तो अगर यहाँ पे आप अगर बाय ले लेगा तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है, लेकिन वो इतना गारंटी नहीं बोल सकता, तो गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता। तो इसको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बोला जाता है। तो अगर इसका ऊपर में हम ट्रेड ले, राइट, इसका ऊपर में, तो इसको होता है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। तो ये पोर्शन अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया आज कोई लाइक, तो इसके मार्केट ऊपर जाने का चांसेस जाता है। लेकिन ये रीजन क्या हो रहा है, तो ये अनडिटरमाइंड हो रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है 200 का मूविंग एवरेज के ऊपर में थोड़ा मार्केट रहता है, फिर भी मार्केट नीचे आ जाता है। तो हम देखे, अगर हम देख सकता तो इसमें कहीं अगर होता तो हम बता पाएंगे आपको, राइट। तो ये रीजन आप देख सकते हैं, ये रीजन में मार्केट नीचे था फिर भी ऊपर निकल गया। तो ऐसा भी कभी कभी होता है, तो मार्केट ऊपर रहता है 200 का तो भी फिर मार्केट नीचे आ सकता है, क्योंकि ये एक रेंज मिला हमें, ठीक है। एक रेंज में रेंज ब्रेकआउट होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप जितना हो सके, मुझे लगता है ये रीजन में अगर यहाँ पे आप सेल लेगा तो इसका थोड़ा ऊपर आप एसएल लगा सकता है। जैसे यहाँ पे लिया तो यहाँ पे मुझे लगता है 20-30 पॉइंट। तो आप अगर देखना चाहेंगे तो एसएल कहाँ लगाएंगे, तो वहाँ पे जाइए, सॉरी, अगर एसएल कहाँ लगाता है एसएल का, इसमें जाइए एटीआर, एटीआर बोल के इंडिकेटर मिलेगा आपको, एटीआर ये है एटीआर, डबल क्लिक कीजिए, एटीआर 14 मैनुअल रहने दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। तो इसमें देखेंगे एटीआर कितना रेंज में है अभी, तो इसमें देख सकता है 16 एटीआर, 16, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है 16, 15, 16, ठीक है, 15 या 16 एटीआर में रनिंग है। अगर यहाँ पे सेल लेना चाहता है तो क्या होगा, तो एक्चुअली क्या होता है, जो पोजीशन लेता है उसका एसएल रहता है 1 एटीआर, नहीं तो 2 एटीआर, राइट, ये 2 एटीआर, ये होता है एसएल स्टॉप लॉस। तो अगर यहाँ पे आप एंटी करेंगे ये रीजन में 1 एटीआर बोले तो आपको कितना आया हमें एटीआर 15 पॉइंट, राइट। तो यहाँ से 15 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट यहाँ 20-30, तो 2 एटीआर लगाएंगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली कितना हो जाएगा 500, राइट। तो 500 आपका एसएल कहाँ रहेगा, तो 500 to 500, तो ये आएगा आपका एसएल, ये स्टॉप, सॉरी स्टॉप लॉस, ये पॉइंट आएगा आपका एसएल, राइट, 2 एटीआर में। और बुक प्रॉफिट क्या रहेगा यहाँ पे, तो हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करेंगे तो आएगा क्या, तो 1:2 अगर हमने लिया, 1:2 यहाँ पे लग गया, हमने 1:2 अगर लिया तो कितना आएगा हमारा 60 पॉइंट प्रॉफिट, 30 पॉइंट हमें 2 एटीआर लिया तो 30 पॉइंट एसएल और 60 पॉइंट हमें प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम 60 पॉइंट करेंगे तो कितना आएगा, पूरा 900 का आसपास आएगा, 800 तो हमें आएगा ये 900 के पास, यहाँ पे टारगेट, ये हमारा टारगेट टेक प्रॉफिट, राइट, यहाँ पे आएगा। तो अगर इसको देखेंगे तो क्या आएगा, हमें एक अगर ड्रॉ करेंगे तो, सॉरी इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, तो इसको मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो एटीआर कहाँ पे आएगा, मैं लोअर पॉइंट कनेक्ट कर दिया तो एटीआर के आसपास ये, सॉरी
तो कनेक्ट कर दिया लोअर पॉइंट, लोअर पॉइंट तो इधर क्या हमें आ गया यहाँ पे टेक प्रॉफिट, राइट। तो ये हमारा टेक प्रॉफिट रहेगा, तो इसमें आएगा 4 1 आर होगा हमारा क्या होगा एसएल, और 2 आर होगा हमारा प्रॉफिट। तो इसमें आप जा सकते हैं, ये जो रीजन, ये जो एरिया हमें लिया एसएल का, ये जो एरिया हमें लिया इसको बोलते हैं 1 आर, मतलब हमने एक जो रिस्क लिया तो उसका हमारा प्रॉफिट रहेगा कितना, यहाँ पे आएगा 2 आर, राइट। ये होता है ट्रेडिंग सिस्टम, राइट। तो ये हमारा बुक प्रॉफिट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।